मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले दल बदल की राजनीति तेज हो गई है। इस बीच कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस की महिला मोर्चा की प्रदेश महासचिव शोभना ओमकार सोमवार को आम आदमी पार्टी में शामिल हो गई। आम आदमी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में शोभना ओमकार ने पार्टी की सदस्यता ली। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता रमाकांत पटेल, संयुक्त सचिव रईसा मलिक, शैली छावड़ा ने उन्हें पटका पहनाकर और टोपी पहनाकर पार्टी में स्वागत किया। शोभना ओमकार 30 सालों से राजनीति में सक्रिय हैं। शोभना ओमकार प्रदेश में आदिवासी वर्ग का एक बड़ा चेहरा मानी जाती हैं और झाबुआ अलीराजपुर में उनका अच्छा प्रभाव है। रमाकांत पटेल ने शोभना ओमकार का पार्टी में स्वागत किया। पार्टी ज्वाइन करने के बाद शोभना ओमकार ने कहा कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की नीतियों और दिल्ली सरकार के कामकाज से काफी प्रभावित होकर मैंने आप ज्वाइन की है। पार्टी मुझे जो जिम्मेदारी देगी मैं उसे बखूबी निभाऊंगी। मैं दिल से आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करती हूँ। उसके जो कार्य करने का तरीका है कि वास्तव में पब्लिक के लिए उतरना है, पब्लिक को प्यार देना है, पब्लिक की सहायता करना है, बस उन्हीं सब बातों से प्रेरित होकर मैं चाहती हूँ आम आदमी पार्टी को ज्वाइन। आगामी चुनाव में भी आप अपने भाग्य से जो भी पार्टी के वरिष्ठ निर्णय लेंगे, मुझे काम करना है तो कोई पद के मोह नहीं, के मोह के कारण मैं नहीं आई हूँ। पर विधानसभा क्षेत्र 191 कहलाता है अलीराजपुर, वहाँ अभी तक मैं सेवा देती आ रही हूँ और आगे भी मैं चाहूंगी कि पार्टी के वरिष्ठों के साथ मिलकर वहाँ के लोगों को जो भी सरकारी योजनाएं हैं, फायदा है, उनको दिला सके, उनको आगे बढ़ा सके। उन्होंने कहा कि अलीराजपुर आदिवासी इलाका है और विकास के लिहाज से काफी पिछड़ा है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में अलीराजपुर में विकास कम, भ्रष्टाचार ज्यादा हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि अलीराजपुर के विकास और वहाँ के लोगों के उत्थान प्रगति के लिए मैं हमेशा काम करती रहूंगी। हमारे वरिष्ठ रमाकांत सर के आग्रह पर और उन्हीं की कोशिशों के कारण मेरी जो मन की भावना है, मैं जो काम करना चाहती हूँ, केजरीवाल जी जो हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री जी हैं दिल्ली के, उनके तरह अपने जिले का भी 191 विधानसभा का भी मैं उत्थान करना चाहती हूँ। मेरा एरिया बड़ा ही पिछड़ा हुआ है, जहाँ शिक्षा में भी बहुत पीछे हैं और हर तरह से आदिवासी अंचल जो एक स्वर्ग की तरह है, परंतु वहाँ अभी तक वहाँ के भाई बहनों को भी उतना फायदा नहीं मिला है। जब से दोनों पार्टियां भी रही हैं तब से अभी तक वहाँ ये उत्थान नहीं हो पाया है। शोभना 1994 में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष, महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष, कांग्रेस मजदूर यूनियन की जिला अध्यक्ष और मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की सचिव रह चुकी हैं। अलीराजपुर जिले में महिलाओं के रोजगार, स्वरोजगार के क्षेत्र में काम कर रही हैं। सामाजिक संस्था के जरिए महिलाओं को रोजगार उन्मुख प्रशिक्षण, जैसे झाड़ू बनाना, खिलौने बनाना, हैंडलूम से जुड़े कामों की ट्रेनिंग दिलवा रही हैं। महिलाओं के लिए कराटे की क्लास और युवतियों के लिए सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग भी दिला रही हैं। शोभना ओमकार 1995 से लेकर 97 तक मुनरो चर्च कलीसिया अलीराजपुर की सचिव रह चुकी हैं। वे वर्तमान में सर्व ईसाई महासभा की राष्ट्रीय महासचिव हैं। ईसाई समुदाय में शोभना की मजबूत पकड़ है।